घर में रखे पुराने मंदिर का क्या करें, पुरानी मूर्तियां कहाँ डालें, इसके बारे में आज हम पूरी जानकारी लेने वाले हैं। हर हिंदू घर में एक मंदिर जरूर होता है, जहाँ हर परिवार के सदस्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं। घर में मंदिर रहने से वातावरण सकारात्मक रहता है, परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। घर में मंदिर होना शुभ माना जाता है, जहाँ हमें बैठने की जगह होती है, जहाँ हम किसी को अपने मन की बात कह सकते हैं, वह है घर का मंदिर। लेकिन यह मंदिर पुराना होने पर अक्सर लोग इसे बेच देते हैं या किसी को दे देते हैं, लेकिन ऐसा करना शुभ नहीं माना गया है। ऐसे में लोगों में असमंजस की स्थिति होती है कि घर में पड़े पुराने मंदिर का क्या करें। आइए फ्रेंड्स, आज हम इसके बारे में पूरी जानकारी जानने वाले हैं। तो यह वीडियो पूरा देखिए और क्रिएटिव भगवान को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप जिस मंदिर में सुबह शाम पूजा करते हैं, भगवान के सामने दिया जलाते हैं, अपने मन की बात भगवान को बताते हैं, अपने सुख दुख जो है वह भगवान के सामने बांटते हैं, इससे हमारे घर का वातावरण अच्छा रहता है, सकारात्मक रहता है। भगवान में और हमने एक रिश्ता बना होता है। अगर इसमें आप वही भगवान को अपने से अलग कर ले तो उनकी ढेर सारी सकारात्मक ऊर्जा जो एकत्रित हो गई है, चेतना का संचार होता रहता है, वह खंडित हो जाएगा। क्योंकि हम समझते हैं कि हमारा मंदिर पुराना हो चुका है, यह मंदिर बेच के या किसी को दे के हम नया मंदिर खरीद सकते हैं, तो वैसा ही हमारा आगे भी चलता रहेगा। लेकिन ऐसा आप गलत सोचते हैं। अगर आपने नया मंदिर खिदवाया है तो नया मंदिर भी शुभ पावन पर्व पर या शुभ तिथि में ही खरीदना उचित माना गया है। मंदिर पुराना मंदिर यूं ही किसी को देना या बेचना उचित नहीं माना गया है। आप इसे अगर यूं ही ऐसे ही किसी को दान में दे दे या बेच के दे दे या किसी दूसरे स्थान पर इसको रख दे, तो जिन मूर्तियों के द्वारा जिन मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, जिनमें एक अच्छी शक्ति है, जो शक्ति हमें उनसे बांध के रखती है, वह खंडित हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, पुराने मंदिर की जो मूर्तियां है या पुराना मंदिर आप अगर उसे हटवाना चाहते है, तो इनको पानी में बिल्कुल बहाना नहीं चाहिए, क्योंकि उन मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। सर्वोत्तम यही है कि आप इन मूर्तियों को किसी गुरु या मंदिर के पुजारी को सौंप दे। इससे पहले आपने अगर नई मूर्तियां खरीदवाई है या नया मंदिर खरीदा है, तो नए मंदिर की या नई मूर्तियों की किसी अच्छे पुजारी के जरिए प्राण प्रतिष्ठा करवा ले। उसके बाद ही नया मंदिर अच्छे से प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद ही पुराना मंदिर हटवाए, वह किसी को ऐसे ही ना दे दे। उसको चाहे तो अपने घर में ही रख दे। अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो किसी गुरु या मंदिर के पुजारी को उसको सौंप दे। मंदिर और मूर्तियों को किसी चौराहे और या पेड़ के नीचे लावारिस रखने के बजाय आप इनका विसर्जन सम्मान पूर्वक कीजिए। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही आपने इन मूर्तियों को या मंदिरों को बिल्कुल इधर उधर नहीं रखना है। इससे हमारे घर में अघटित हो सकता है और देवी देवता भी रुष्ट हो सकते हैं। तो नया मंदिर खरीदवाने से पहले आप इन बातों का ध्यान जरूर रखें। तो फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसे लगा यह कमेंट्स करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।